तो फाइनली दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का एग्ज़ाम स्टेटस जारी हो चुका है। आप एसएससी की रीजनल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो जिस भी रीजन से आपने फॉर्म फिल किया है, तो वहां पर आप चेक कर सकते हो आपका एग्ज़ाम कब है, किस शिफ्ट में है, किस सिटी में है, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। एडमिट कार्ड भी एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आपको मिल जाएगा। 12 और 13 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना है, तो 2 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा, आप अपना स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे आपको क्या करना है और कम से कम कितना अटैम्प्ट आपको करना चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि इस बार वैकेंसी थोड़ी कम है पिछली बार की अपेक्षा, तो कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा तो जाएगी। फिलहाल अभी आपको करना क्या है, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है, जैसे अगर इंग्लिश की बात करें तो वोकेबुलरी आपको ज़्यादा अब नए वर्ड नहीं पढ़ने, जो भी आपने प्रीवियस ईयर के पढ़े हैं अभी तक उसको रिवाइज़ करना है। जैसे अगर आप हमारी ये क्लास अगर शेड्यूल फॉलो कर रहे होंगे तो इसमें मैंने आपको सिनोनिम्स प्रीवियस ईयर के सारे सिनोनिम्स कवर करा दिए हैं, और 2-3 दिन से शायद आज से ही हमने रिविज़न करना स्टार्ट किया है, क्लियर। और इसी तरह से ईडियम्स हमने करा दिए, एंटोनिम्स कराने का जो है समय नहीं मिला तो इसलिए हम एंटोनिम्स नहीं करा पाए। बहरहाल सिनोनिम्स जो भी हमने कराए हैं उसी, मतलब अगर आपने वर्ड मीनिंग याद किए होंगे तो वहाँ से आपके एंटोनिम्स भी कवर हो जाएंगे, क्लियर। तो जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, चाहे कहीं से भी पढ़ा हो, हमारे पास से पढ़ा है या कहीं से भी पढ़ा हो, आपको उसको रिवाइज़ करना है। एक वोकैब की मैंने मैराथन क्लास भी दी हुई है, कम से कम 70 से 80% पिछले साल 2022 में वहाँ से वोकैब देखने को मिली थी, तो इस बार भी आपको चांस है कि 50 to 60%, अगर एग्ज़ाम सेम हुआ तो 70% तक आपको मिल जाएगी। उसमें भी अधिकतर प्रीवियस ईयर की वोकैब ही मैंने कलेक्ट किए, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो, क्लियर। उसकी एक मैंने एक मैराथन क्लास बना रखी है 4 घंटे की, वो आप देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसके बाद जीएस की बात करिए, ग्रामर में, ग्रामर में सबसे पहले जो आपने पढ़ा है एक बार चैप्टर वाइज सारे रूल्स आप रिवाइज़ कर लो, एग्ज़ाम तक आपको रिवाइज़ करते रहना है। जो आपने मिक्स क्वेश्चन किए हैं, जैसे मैंने लगभग 1400 क्वेश्चन कराए हैं ग्रामर से रिलेटेड, तो उसमें मैंने आपको टारगेट दिया था 20 क्वेश्चन, मतलब डेली हम 100 क्वेश्चन करते थे, उसमें से 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन में से जो रूल्स है वो आपको नोट करने होते थे, तो वो जो भी आपने नोट किए उसको आप रिवाइज करें, बस इतना करना है। चैप्टर वाइज आप रूल पढ़ते रहे और जो मैंने आपको नोट करने के लिए दिया हुआ था उसको भी आप रिवाइज करते रहे। साथ में जो हमारी पेड क्लास वाले स्टूडेंट्स है, 100 रूल्स मैंने उनको प्रोवाइड करा रखे हैं, वो भी आप एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। तो ग्रामर हो गई, वोकैब हो गई, बाकी जो कॉम्प्रिहेंसन है उसको आप पढ़ते रहे, रीडिंग करते रहे, तो उसमें कोई ट्रिक ऐसी नहीं है, रिविज़न करने का कुछ ऐसा नहीं है, आप उसको पढ़ते रहे, अभी अपनी हैबिट बना के रखिए, ठीक है। और जीएस में भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं आप उसको एक बार रिवाइज कर ले, और ठीक है, सारी PDFs वगैरह मैंने आपको दे रखी है, एक बार ज़रूर आप उनको रिवाइज़ कर ले। और करंट अफेयर भी मैंने जो है मैराथन क्लास दे रखी है टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो यहाँ से आप कर सकते हो, क्लियर। टेलीग्राम आप सर्च करोगे स्पार्कल एजुकेशन, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से सर्च करके कम से कम ये मैराथन क्लास जो मैंने दी हुई है वो आप वहाँ पर देख सकते हो, ओके। उसी तरह रीजनिंग में आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना है, क्लियर। आप दिन में 2 मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, और जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है वो उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने दी हुई है, ठीक है, इसी चैनल पर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी आपको फ़िलहाल तो रिवीजन पर ही फोकस करना है और रीजनिंग में मॉक टेस्ट लगाते रहो। और कम से कम टारगेट की बात करिए, जैसे OBC हुआ, EWS, कम से कम 135 से 40 प्लस ही आपको मतलब कोशिश करनी है, इतने हमारे कम से कम मैं बता रहा हूँ इतने मार्क्स आए, कट ऑफ तो और ऊपर जाएगी, बाकी वो अभी पता चल जाएगा एग्ज़ाम का लेवल देख के, क्लियर। जनरल वही 140-145 से ऊपर ही आपके मार्क्स आने चाहिए, और आपको ये मार्क्स सुन के डरना नहीं है बिल्कुल भी, मतलब अभी आपके मार्क्स अगर कम भी आ रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस आप कर पाओ अगर आपने मेहनत की है, तो इस बात से आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। हो सकता है एग्ज़ाम का लेवल कम आ जाए तो आपको, ठीक है, आप उसमें ज़्यादा स्कोर कर लो, तो वो एग्ज़ाम के लेवल पे डिपेंड करता है कि आपको कम से कम कितना अटेम्प्ट करना है या कितने पे कट ऑफ जा सकती है, क्लियर। और SC में बात करें तो 130-135 से ऊपर ही होने चाहिए,
इस बार कट ऑफ ठीक ठाक जाने वाली है। कट ऑफ हालांकि हम बाद में करेंगे जब एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम का लेवल देख के। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि कम से कम कट फिटा के आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। कोशिश करना आप 150 से तो ऊपर ही जो है मार्क्स लाने की कोशिश करना, 145 50 है ना, मतलब वो तो मैक्सिमम जितना भी आप ला सकते हो अच्छा है। और बाकी कट ऑफ के बारे में हम देखेंगे एग्ज़ाम जब हो जाएगा आपका क्या लेवल है। चलिए इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।